आइए आइए। क्यों लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? पैसे नहीं लेके आया क्या? खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा। अरे ओ भैया, वो तलाक की पेपर्स लेके आना। मेरी सिक्योरिटी, तुमको तो पता ही है आजकल बिजनेसमैन के लिए चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। साला यहां से फोन, वहां से धमकी, पता नहीं कब कोई क्या कर बैठे। लो साइन कर दो, आज ही कोर्ट बुझाना है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, तुझे मारकर 14 साल के लिए। अच्छा किया जो तू इन्हें ले आया, तेरी लाश को उठाने के काम आएंगे। सोचा था कि अब मैं कोई और खून नहीं करूंगा, लेकिन तू जैसे बेवकूफ मां कसम शराफत से जीने नहीं देते, अब तू मरेगा। प्रिया मुझे अब भी अच्छा आदमी समझती है, आज नहीं तो कल वो तेरी दौलत लेकर मेरे पास आई जाएगी। अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई, तुम जानती नहीं तुम्हारा पति कितना कमीना है। तुम पर जिसने अटैक किया था ना, वो कोई चोर नहीं था, इसने उसे भेजा था। ये तुम्हें जान से मारना चाहता है। आई स्वेयर, मेरे पास इसका सबूत भी है। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब तुम राज को ब्लैकमेल कर रहे थे, और ये भी सुन चुकी हूँ कि अपने मतलब के लिए तुमने कितने लोगों की जान ली। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त, एक हमदर्द समझती थी, लेकिन अब पता चला कि तुम कितने लालची और खुदगर्ज हो। अरे तुम्हारे पास वापस आना तो दूर, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि तुम जैसे जलील इंसान के साथ कभी मेरा कोई रिश्ता भी था।
Click on the bell icon
to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.